हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में चैप्टर 11 3D मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। हमें दो लाइन दे रखी है जिसकी पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है फ्रेंड, अगर दो लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो जिसकी पहली इक्वेशन इस फॉर्मेशन में मिलेगी, जैसे कि हमें मिली हुई है ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, तो ये मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ए वेक्टर लैम्डा, ये मेरा हो जाएगा बी वन वैक्टर। और दूसरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए ए टू वैक्टर, तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा ए टू वैक्टर और म्यू बी टू वैक्टर, ये दे रखा मेरा म्यू बी टू वैक्टर। तो फ्रेंड, अगर दोनों वैक्टर के बीच में डिस्टेंस निकालने हो तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, बी वन क्रॉस बी टू इंटू में ए टू माइनस में ए वन अपॉन में जो क्रॉस है ना बी वन बी टू का, उसका मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं इसको क्वेश्चन को करना शुरू कर दूँ फ्रेंड। ठीक है, तो मैं पहली इक्वेशन को लिखता हूँ यहाँ पे आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, इस फॉर्मेशन में होनी चाहिए, तो मेरी पहली इक्वेशन ये दे रखी है आर वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरा a1 वेक्टर कितना आ जाएगा 6i प्लस 2j प्लस 2k और b1 वेक्टर मेरा कितना आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 2k। तो मेरा a1 और b1 कंप्लीट हो गए। अब मैं दूसरी इक्वेशन को लिखता हूँ r वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस म्यू बी टू वैक्टर। दूसरी इक्वेशन की मेरे को इक्वेशन दे रखी है आर वैक्टर इजक्ल टू माइनस का फोर आई प्लस माइनस का के प्लस म्यू थ्री आई माइनस टू जे माइनस में टू के। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा ए टू वैक्टर कितना हो जाएगा माइनस का फोर आई। ठीक है, जे वाले टर्म दे नहीं रखी, तो मैं क्या लिख लूँगा जीरो जे माइनस में के। ठीक है फ्रेंड, एंड बी टू वैक्टर बी टू हो जाएगा थ्री आई माइनस टू जे एंड माइनस में टू के। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेरा ए वन बी वन ए टू बी टू दोनों आ गए। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ए टू माइनस में ए वन वैक्टर, तो मेरा ए टू वैक्टर ये है माइनस में फोर आई जीरो जे माइनस में के, माइनस कर लेता हूँ ए वन वैक्टर, ए वन वैक्टर है सिक्स आई प्लस 2j प्लस 2k माइनस में 4i माइनस 0j k ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 2j प्लस वाला माइनस का प्लस वाला माइनस का एंड प्लस वाला माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10i 0 और ये माइनस का 2j माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3k। तो ये मेरा आ गया a2 माइनस में a1 वेक्टर। ठीक है फ्रेंड, इतना पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। इतना होने के बाद अब मैं b1 क्रॉस b2 निकाल लेता हूँ, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अब क्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे बिल्कुल सिमिलरली वैसे निकालना है आई जे के। अब b1 वेक्टर की इक्वेशन क्या है मेरी, ये इसके साथ में जो इसका कॉफिशियंट होगा यानी कि 1 यहाँ माइनस 2 और ये 2 b2 का 3 माइनस 2 एंड माइनस 2। ठीक है फ्रेंड, अब निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट जैसे हम निकालते थे। पहले लिखेंगे i ब्रैकेट, देखो ये इवन प्लेस है, कैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 एंड 1 2 2 इवन प्लेस है इसलिए रहता था पॉजिटिव का। ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे आता है यानी कि ऑड पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट रो 1 हुआ सेकंड कॉलम यानी कि 2 2 और 1 कितने हुए 3 हुए, 3 ऑड होता है इसलिए नेगेटिव का रखते हैं इसको। एंड के होता है इवन प्लेस में जैसे कि फर्स्ट रो ठीक है एंड थर्ड कॉलम, तो 1 और 3 कितना हुआ 4 हुआ इसलिए इवन रहता है, इवन यानी कि पॉजिटिव रहता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम हाइड कर लेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस का आएगा बीच में साइन 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 आएगा एंड माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 2 को 1 के साथ करेंगे तो माइनस 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब यहाँ कौन सा जाएगा माइनस का 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6 और ये माइनस किसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 और 4 8i, देखो
माइनस का जे और माइनस का एट, यहाँ पर सिक्स मिस टू हो गया कितना है फोर, माइनस माइनस प्लस एट जे, यहाँ कितना हो गया फोर के, ये आ गया मेरा बी वन क्रॉस बी टू आ गया। अब इसका लगे हाथ मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, तो बी वन क्रॉस बी टू मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो आई जे के कॉफिशेंट है उनका स्क्वायर का सम कर देंगे, ऊपर लगा देंगे रूट, एट को एट से किया 64, एट को एट से किया 64, फोर को फोर से किया 16, सबका सम किया कितना है 144, और 144 का रूट करें कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस फॉर्मूले को पूरा करने के लिए b1 क्रॉस b2 वो भी मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा a2 माइनस में a1, a2 माइनस में a1 ये भी निकाल चुका हूँ, और इनका मैग्नीट्यूड वो भी मैं निकाल चुका हूँ, इन तीनों टर्म को फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इन तीनों को उठा के मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा, इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अगले पेज पे इसको कर देता हूँ पुट। तो फ्रेंड पीछे से मैंने इन सबके टर्म को यहाँ पे फॉर्मूले को भी नोट कर लिया है और उनके टर्म को भी यहाँ पे नोट कर लिया है, तो मैं इन सबको वैल्यू इनमें रख देता हूँ। b2 क्रॉस b1 कितना निकाला था, सॉरी b1 into b क्रॉस यह आया था मेरा 8i प्लस 8j प्लस 4k, यहाँ वन है या टू है 4k डॉट a2 माइनस में a1 कितना है माइनस में 10i माइनस में 2j एंड माइनस में 3k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला था 12, ऊपर आ जाएगा मॉड i वाले टर्म i वाले से मल्टीप्लाई होगी, j वाले टर्म j वाले से होगी, और k वाले टर्म k वाले से मल्टीप्लाई होगी, तो 8 टेन ज़ा 80, आई को ऐसे करेंगे 1 हो जाता है, 8 टू ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस एंड 4 थ्री ज़ा 12 अपॉन में आ जाएगा 12। ठीक है फ्रेंड, अब तीनों ही टर्म माइनस की है, तीनों माइनस की टर्म को हम सम करेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस का 108 और नीचे 12 चल ही रहा है, अब इसमें डिवाइड देंगे 12 यानी 108, माइनस का 9 और माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा 9 यूनिट होगा, तो मैं लिखूंगा देयर फोर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू लाइन्स इज 9। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय बाय, थैंक यू।